दोस्तों, के डिजिटल लाइन मोबाइल में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने आपको बताया था जो महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं लोग हैं दूसरे राज्यों के, उनके लिए हमने फॉर्म बताया था, उनको बाहर कैसे वो आ सकते हैं उनके लिए फॉर्म था। आज मैं उनके लिए फॉर्म बताने जा रहा हूँ जो महाराष्ट्र के ही हैं और इधर उधर अपने लिए काम करने जाते हैं, दुकान जाते हैं या कोई फैक्ट्री चलाता है, उनके लिए ई पास कैसे बनेगा तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पहले ही आपके पास आएगा। कि आप कहाँ के हैं पहले तो जैसे मैंने भर दिया है थाने रूरल, आप यहाँ के हैं, आपको अपना नाम भरना है। जैसे नाम है जैसे आपके डॉक्यूमेंट में वैसे ही नाम भरना है। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपको ई पास बनवाना है, जैसे आज 10 तारीख से 17 तारीख तक है तो आप 10 से 17 तक रहने दें, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर करेक्ट आपके पास जो रहता है उसका लगाना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लगा दिया मैंने। इसके बाद आपको कारण बताना है, प्रवास से कारण है। स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट करें, इमरजेंसी है कोई इमरजेंसी करें, जितने दिन की है तो उतने दिन की डेट भर दे, भाई मेरे को इतने से इतने तारीख तक ई पास चाहिए, नहीं तो अदर कर दें। अदर के अंदर आप कारण दुकान का बता सकते हैं या आपका कोई जो चल रहा है फैक्ट्री चल रही है वो बता सकते हैं। शॉप, कौन सी शॉप है आप लिख दें, जैसे आप मोबाइल शॉप चला रहे हैं। या डेयरी चला रहे हैं, मिल्क डेयरी, जो भी आप लिखना चाहो, आपका जो उद्देश्य है वो लिखें। वाहन क्या है आपके पास जिससे जाना चाहते हो, जैसे ट्रेनें चल नहीं रही है, इंटर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे चल नहीं रही है तो आप जैसे अपने खुद के वाहन से जाना चाहते हैं तो प्राइवेट व्हीकल, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, जैसे ज़्यादातर तो आप फोर व्हीलर से हैं वहाँ पे, तो आप मान लो आपने फोर व्हीलर्स कर दिया है, आपको वाहन का क्रम संख्या लिखना है। लिख दिया, अंदाजे से लिखा है मैंने। अब आपको जहां आपको जाना है वहां का एड्रेस लिखना है। सॉरी, जो करंट आपका एड्रेस है वो लिखना है पहले पूरा। आपने ऊपर भर दिया था तो ये पूरा एड्रेस यहाँ लिखना है। जैसे ये अंदाजा से लिख रहा हूँ सारा, ये आपको जो जो एड्रेस है करंट वो आपको पूरा लिखना है। लिखने के बाद ये आपका आपने भराई था कि आप यहाँ रहने वाले हैं, अब आपको कहाँ पे जाना है, अंतिम ठिकाना कहाँ पे जाना है। जैसे आपको जाना है मुंबई सिटी, आप रोज मुंबई सिटी के लिए अप डाउन करेंगे, ठीक है। सह प्रवासी संख्या, अगर आपके साथ कोई और जाना चाहता है साथ में तो उसकी यहाँ पे डिटेल यहाँ साथ में ले लेंगे। अगर आपके साथ एक जना है तो एक लेंगे, कोई नहीं है तो जीरो लेंगे, दो है तो दो लेंगे, तीन है तो तीन लेंगे। आपके अलावा बता रहा हूँ, आपके अलावा एक है तो एक लेंगे, आपके अलावा दो है तो दो लेंगे। जैसे एक लेंगे आप तो इसके लिए
को पैसेंजर के लिए नीचे एक खुल जाएगा बॉक्स जिसमें उसका नाम लिखना है। अंतिम ठिकाना यानी आपका जो शॉप है या जहाँ फैक्ट्री है उसका आपको एड्रेस लिखना है। लिखा आपने 45 ये मैं मन से ही भर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ की एड्रेसेस के बारे में पता नहीं है, आपको सिर्फ सिखाने के लिए। जहाँ आप जाना चाहते हैं उसका एड्रेस भरेंगे, भर दिया पूरा भरेंगे और उसके बाद पूरा पता लिखने के बाद आप आर यू फ्रॉम कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट जोन यानी आप अगर कोरोना वाले क्षेत्र से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोरोना जहाँ ज़्यादा रेड जोन है और वहाँ से हैं, उस इलाके से हैं, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। द केस ऑफ को एड, ऊपर मैंने को ग्रुप टाइप ड्राइवर्स नेम, तो यहाँ पे साथी जो साथ में जाना चाहता है उसका नाम लिखेंगे, उसका भी पूरा नाम लिख दिया। आर यू प्लानिंग टू रिटर्न वाया सेम रूट, आप अगर दुकानदार हैं तो आपको रोज आना जाना रहेगा, तो यस करेंगे। अब को पैसेंजर, नंबर ऑफ को पैसेंजर की तारीख भी इसमें साथ में कब कब जाएगा। ठीक है ना, कब तक आपके साथ वो जाएगा उसके लिए अपन भर देंगे। ठीक है, रोज चलता है तो आप पूरी तारीख लगा देंगे 17 तारीख तक, एक दिन जाएगा तो एक दिन। ठीक है, इसी तरह फिर आपको फोटो व कागज पत्र जोड़ा, इसमें आपको अपना एक तो फोटो लेना है, वेब कैमरा के थ्रू ले सकते हैं, अगर वेब कैमरे की सेट इसमें सुना है सही नहीं है, चूज करके ले सकते हैं अपनी फोटो। 200 केबी से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 200 केबी से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। और इसके बाद ये करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा डॉक्टर द्वारा जारी किया हुआ COVID-19 के लिए, वे हमें किसी प्रकार की कोई कोरोना से संक्रमित नहीं है हम। वो करने के बाद अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, टोकन नंबर आ जाएगा, उसके द्वारा आप को ई पास मिलने में सुविधा होगी। उसका स्टेटस देखने के लिए भी एक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जिसके थ्रू आप अपने स्टेटस देख सकते हैं कि आपको इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है। इश्यू होने पर आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके आप अपने गाड़ी के आगे लगा सकते हैं और आने जाने की सुविधा आप अपने आप बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद आप सभी का। हम ऐसे ही आगे आते रहेंगे, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो दूसरे जो जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की उनके पास पहुंच सके। धन्यवाद।